Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. और अभी हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेलर रिएक्शन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का. और नो वे होम के बाद ये मूवी जो है वो मल्टीवर्स को एक नए लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करने जा रही है. और मुझे इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज इज वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरो, फेवरेट मार्वल कैरेक्टर, इज फुल ऑफ यू नो फैंटेसी एंड मैजिक. डायरेक्ट किया है सैम रैमी ने, जो की यू नो बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर है, जिन्होंने स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी बनाई थी या हॉरर फिल्म्स बनाई है. तो मान के चलिए इस फिल्म के अंदर भी हॉरर एलिमेंट होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रेलर रिएक्शन. एवरी नाइट आई ड्रीम द सेम ड्रीम. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? It has had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Break the rules. Look out! I become a hero. I do it. I become the enemy. It doesn't seem fair. पूरा एक पहली मार्वल मूवी जिसमें एक भी मजाक नहीं है, कोई फन सीन नहीं है. एंड इट इज गिविंग मी वेरी हॉरर वाइब. सैम रैमी ने बनाया, थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट होगा इसके अंदर. बहुत हॉरर और बहुत केओस है, बहुत सारा सीरियस, बहुत ज्यादा की भैया मतलब जिंदगियां दांव पे लगी. और इट लुक्स सो इंटरेस्टिंग. आई मीन ट्रांजिशन देखो कैसे कैसे हो रहा है, एक से दूसरे पोर्टल में जा रहे हैं. और एक चीज इसमें और है कि इसमें जैसे हम लोगों को ऐसा लगता था ना कि जैसे मुझे अभी तक पर्सनली ऐसा लगता था, आई एम नॉट यू नो वेरी यू नो क्रेजी अबाउट, आई लव ऑल द मूवीज मार्वल्स की, लेकिन आई एम नॉट दैट क्रेजी अबाउट इट कि यू नो मैं सब देखूं कौन कौन सा मिस हो गया. आई एंजॉय वॉचिंग दीज मूवीज. बट ऐसा लगता था ना जैसे लास्ट वाली मूवीज देखने में भी ऐसा लगता था कि ओके यू नो कोई एक पर्सन है जो कि कंट्रोल कर लेगा या फिर संभाल लेगा. मतलब लास्ट मूवीज तक का मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज समवन यू नो जो कि सबको बांध के रखने वाला हो और यू नो कंट्रोल करके रखने वाला, ही इज द मोस्ट पावरफुल वन, ऐसे टाइप का लगता था मुझे. पर ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मतलब कोई नहीं बचा है जो सेव करने के लिए आ सके वहां पे. एक वांडा मुझे लगी थी लास्ट वाले में कि मे बी यू नो वो पॉजिटिव टर्न ले, इसको देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो होने वाली वो ये कि एक तो कैमियोज बहुत सारे होने वाले हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारे कैमियोज होने वाले हैं. और वो जो सीन है इसमें वो लोग पकड़ के ले जा रहे थे स्ट्रेंज को, वो अल्ट्रॉन बॉट्स से, मतलब अल्ट्रॉन बॉट्स जो आयरन मैन ने क्रिएट किए थे. तो ये
टोनी स्टार्क वाला आयरन मैन, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला मतलब आयरन मैन नहीं है ये। अच्छा। ये टॉम क्रूज वाला आयरन मैन हो सकता है। तो उसको तो वापस लाने का मुझे कोई वो समझ नहीं आता। बट इट लुक, बट प्रोफेसर एक्स को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली एक्समैन को मैं मार्वल सिनेमा में देख सकता हूँ फाइनली। वो आवाज ही अपने आप में उनकी है, वो जेवियर मतलब, और अगर जेवियर है तो उसका मतलब वांडा से उनकी फाइट होगी जरूर। मतलब वांडा इज लाइक, वांडा भी दिमाग से खेलती है एंड ही आल्सो प्लेज विद वांडा। मैं देख रही थी कि शी इज सो पावरफुल, मतलब मेरे को, मैं उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ओके अगर ये पॉजिटिव साइड में होती तो मैं भी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इतने सारे, मतलब एक चीज जो मुझे मल्टीवर्स के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लगती है, येट इट इज इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, कि यू डोंट नो व्हिच वन इज द रियल वन। जैसे सारे जैसे कि दिखाते कि जैसे वेरिएंट्स दिखाए, यू डोंट नो कि कौन सा वाला वेरिएंट पॉजिटिव में टर्न करेगा या कौन सा वाला वेरिएंट नेगेटिव में टर्न करेगा, क्योंकि यू डोंट नो दैट उस वाले वेरिएंट की स्टोरी। And but I mean this looks totally amazing. It looks totally amazing. बहुत अलग movie, बहुत अलग movie लगी मुझे। तो मतलब मैं genuinely मतलब कहूँगा कि ये बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है, genuinely कमाल की फिल्म होने वाली है। और ट्रेलर भी इतने नब्बे इतने अच्छे से बनाया है, कुछ क्लियर नहीं है आपको, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो कि उसकी आवाज है वो उसकी आवाज ना हो या फिर कुछ और हो, यू नो वो वाला, या फिर हमें जैसे लग रहा है कि वांडा नेगेटिव है, मे बी यू नो कुछ और टर्न हो जाए वहाँ पे जाके, या फिर एंड टाइम पे वो पॉजिटिव में टर्न हो जाए, लाइक यू डोंट नो दैट राइट। आई सी वांडा एज अ यू नो अ नाइस पर्सन, उसके साथ जो चीजें हुई है उन्होंने उसको जो बना दिया वो बना दिया, बट शी इज अ नाइस पर्सन, एज अ पर्सन शी इज नाइस उसको उसके हिसाब से, बट इट लुक्स डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। सो दिस वॉज द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और आपको और कौन कौन से ऐसे चेहरे नजर आए जो हम लोगों को इससे मिस हो गए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।